हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइस ब्लू। मैं हूं डिफेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल लास्ट 2 to 3 days कंटिन्यूअस प्राइस इज फेलिंग, राइट। सो आप देख सकते हैं यहां से जो 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया तो यहां से मार्केट फिर से नीचे आया, तो यहां से बाउंस हुआ 200 से, फिर से नीचे आया 200 मूविंग एवरेज से बाउंस, फिर से नीचे आया। तो मुझे लगता है 200 से फिर से बाउंस हो सकता है, राइट, मूविंग एवरेज से। लेकिन हमारा एंट्री पॉइंट कहां रहेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले थोड़ा बहुत कंटिन्यूस हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई। तो यहाँ से देख सकते हैं आप मार्केट लोअर हाई बना रहा है, जैसे ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो कंटिन्यूस बना रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके इसको ब्रेकआउट करेंगे। तो हमको एंट्री कहाँ करना है, तो 3700 का नीचे हम बाय, 3700 का नीचे हम सेल एंट्री करेंगे। और नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, तो हमारा टारगेट रहेगा जैसे 3500 का आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ऑलरेडी छोटा टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेल एंट्री करना है। अगर बाय एंट्री करना है आपको 3800 का ऊपर में ही बाय लेना है, क्योंकि अगर ये 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करके इसका ऊपर मार्केट स्टे हो गया तो मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट ये 3900 का आसपास है। और इसका एंट्री पॉइंट, नेक्स्ट सेल का एंट्री पॉइंट आप 3700 का आसपास कर सकता है, राइट। तो इसलिए आपको एंट्री करने से पहले आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट फिर से ये 200 मूविंग एवरेज से फिर से मार्केट नीचे आने का चांसेस है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।